ध्यान दो, ये थोड़ा मस्ती करने के चक्कर में कभी महंगा पड़ जाएगा। हेलो, वेलकम टू द चैनल। कैसे हो सब लोग? मज़े में? हम भी मज़े में। तो ये जो वीडियो, उसमें ऐसा है कि हम जैसे ये इगतपुरी वाला, क्योंकि बीच में तो थोड़ा दूसरे वीडियो डाल दिए, थोड़ा यहाँ काम के सिलसिले में थोड़ा रह गया था, तो इसको अभी ख़त्म करते हैं। जैसे कि हम इगतपुरी से रिटर्न हो रहे थे, तो मैं, वत्सल और पिंकेश, हम साथ में निकले थे। पिंकेश जवाहर से अलग हो गया था, हम वहाँ से अलग हो गए। तो फिर पिंकेश धर्मपुर होके मतलब पता नहीं कौन से रास्ते से वो पहुँचा सूरत, और हम जो थे कि चारोटी से हाईवे ले लिया, फिर वहाँ से निकले। तो ये वीडियो में ऐसा इतना ही है कि हम सूरत कैसे पहुँचे, और बीच में कुछ कुछ मस्ती भी की है। जैसे कि एक वापी के पास जाते तो एक ब्रिज है ना, बहुत बार आपने देखा है, अगर आप वहाँ से क्रॉस होते हो, एक ब्रिज है, आप साइड पे देखोगे तो दूसरा ब्रिज है, वहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं। तो इस बार सोचा हम भी जाते हैं, तो पूरे वीडियो में आपको वो भी देखने मिलेगा। तो आगे आप वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए, बीच बीच में मैं आपको मिलता रहूँगा, जो भी बातें बताता रहूँगा, तो आपको भी थोड़ा पता चलेगा कि क्या हुआ। चलो आगे देखिए, तो मिलते हैं बीच में। तो जवाहर से ये इंसान है ना, उससे हमारा नाता टूट जाएगा। तो पिंकेश के और हमारे रास्ते अलग होने वाले हैं। पिंकेश हमारा दोस्त नहीं है जवाहर के बाद। फिर यहाँ पे रुके थे, थोड़ा नाश्ता किया, लेकिन साला हर बार सोचते हैं ना कि 10 मिनट के लिए रुकेंगे, आधा घंटा निकालते ही हैं। तो नाश्ता वास्ता किया, आगे से जाएंगे, और वहाँ से पिंकेश और हमारे रास्ते अलग हो जाएंगे। आज ये हुआ ना कोई व्यू पूरा, मतलब आगे खाली खाली और फिर हम लोग जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने देखा है, क्योंकि आगे की वीडियो में हम लोग थे महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में तो जो बारिश मिली है, मतलब कुछ भी पहनो भिगो गई, तो इतनी बारिश, तो जहाँ पे भी जाते थे बारिश मिलती थी। जवाहर जाते जाते बीच में भी इतनी बारिश मिली कि हमारी स्पीड लिटरली कम हो गई, आगे भी कुछ नहीं दिख रहा था इतनी बारिश। तो अब आगे देखिए, आपको बारिश ही बारिश मिलेगी। जब तक महाराष्ट्र में थे हमको बस बारिश ही मिली, और बहुत ही अच्छे व्यू मिले। तो आप आगे देखिए, आपको व्यू प्लस बारिश मिलेगी, और थोड़ी हमारी कमेंट्री भी। तो बारिश फिर से बढ़ गई है, और सब लोग यहाँ पे रुक गए हैं। देखते हैं, चले क्या बढ़ेंगे आगे, क्योंकि बारिश तो आने ही वाली है। उसकी दोस्ती यहाँ तक ही थी। कभी कभी कुछ कुछ ट्रिप में ऐसा भी हो जाता है, तेरे मेरे रास्ते अलग है, देख ले अभी। तो चाचा साइड पे चलो, हम आ गए जवाहर में, अगर ऐसे चले गए तो मर जाओगे। फिर मतलब कोई बस तो आ रही है, तो यही शायद रास्ता होगा, उसी के भरोसे जा रहे हैं, लोगों को पूछते। जैसे तैसे बारिश में फिर थोड़े पहले जो हमने रास्ता लिया था, जैसे हम भंडारदरा जाने वाले थे इगतपुरी के लिए, हमने पहले क्या रास्ता लिया था कि मनोर होके जाएंगे, लेकिन वहाँ का रास्ता इतना ख़राब था ना कि नहीं पूछो बात। लेकिन अभी जो रास्ता लिया, जो चारोटी होके जवाहर होके, वो रास्ता अच्छा है। अगर आप भी जाना चाहते हो बारिश के टाइम में या अभी भी, तो आप ये चारोटी होके जवाहर लेके आप इगतपुरी जा सकते हो, क्योंकि वो रास्ता अच्छा है। तो हम भी वही दूसरे रास्ते से आए। बीच में गाड़ी की चेन थी वो थोड़ी लूज थी, तो उसको टाइट करवाना था, तो इसीलिए हम रुके थे आरोटी या चारोटी गांव में, तो वहां पे कराया। तो आप देखिए, तो अभी बाइक में थोड़ा चेन लूज हो गया, तो उसको टाइट कराने के लिए रुके। किधर है ये जगह? यहाँ से हाईवे 2-3 किलोमीटर ही है। डेढ़ किलोमीटर सही है। वरोटी आप ही करोगे? सही है, वो चेन टाइट करने का है पीछे का। हो गया कर लो आप, कर लो।
गाड़ी न्यूट्रल था, सीटी नहीं करेगी, थोड़ा साइड मार देगा, बहुत टाइट नहीं किया ना? नहीं, टाइट हो गई प्रॉपरली करके दी, क्योंकि वहाँ पे लिखा, क्योंकि वहाँ पे लिखा था कि बजाज की गाड़ियाँ भी रिपेयर की जाती है, तो हमने वो अंकल को बोला, अंकल को पता था किस तरह से चेन को टाइट करना, तो उन्होंने टाइट कर दी, उसके बाद हम निकल गए, हो गए। हाँ, फिर जैसे निकले, महाराष्ट्र है तो बारिश तो मिलेगी, फिर से बारिश, तो बारिश को चीरते फाड़ते ऐसे हम गाड़ी चलाते, मैं और वत्सल आगे बढ़ते गए, फाइनली हाईवे पे पहुँचे और फिर हम गुजरात की ओर निकल दे, और बीच में हम जो पारसी ढाबा है वहाँ पे हमने नाश्ता किया। तो जैसे ही महाराष्ट्र की बॉर्डर ख़त्म हुई ना, बारिश गई, मतलब पूरे सूख गए, तो वहाँ पे नाश्ता किया और फिर आगे चले। और अभी बारिश बहुत ज़्यादा है, मतलब हम गुजरात वाले हैं, ये मतलब मुंबई गुजरात हाईवे जहाज है, और यहाँ पर देख सकते हो कितनी बारिश और पानी है। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along my friend, for it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end, no they don't. ये ऐसा हो गया साला, एक टैंकर एक ट्रक के बीच में फंस गया, थोड़ी जगह में निकल जाएगा। तो अभी ये जो मैं फोटो आपने देखा ना ब्रिज का, तो ये कब आता है, वापी में एंटर हो जाते हो, वापी सिटी के पास में, तो आप ऊपर जो मेन ब्रिज है, ऊपर जो मेन ब्रिज है वहाँ से आपको नीचे एक ब्रिज दिखेगा, ओल्ड है, पुराना है कोई, तो वहाँ पे बहुत बार लोग बैठे रहते हैं, चिल करते रहते हैं, तो हमने भी बहुत बार देखा था, तो लेकिन आज सोचा कि चलो जाते हैं, उसकी वजह से हमने क्या किया, लेफ्ट ले लिया और वो ब्रिज की तरफ जा रहे थे, लेकिन बीच में थोड़ा रास्ता अटक गया, क्योंकि तो वहाँ पे एक थोड़ा शमशान जैसा था, वहाँ पे पहुँच गए, लेकिन फिर देखा, फिर हम घूम के गए और वो ब्रिज के पास पहुँचे, वो ब्रिज के पास पहुँच के क्या किया वो आप आगे देखिए। अभी कभी कभी राइट में कुछ साइड भी ले लेना चाहिए, हमेशा ठीक है, जाते रहोगे तो कुछ मिलेगा नहीं, कभी कभी साइड भी लोगे तो अच्छे नज़ारे मिलेंगे, ये नज़ारों की तरफ हम रास्ता भटक गए तो फिर से ऊपर उठ जाएंगे, लेकिन नज़ारे दिख रहे हैं। जल्दी जल्दी ले ला, अरे जय जो रास्ते के लिए जा रहे हैं वहाँ पे पहुँचेंगे, गाड़ी निकल जाएगी तो लग तो रहा है। निकली, अच्छा थोड़ी मस्ती थे भाई, सुनो जो ना त्याती एम हवा है, हम कुछ खतरों के खिलाड़ी वाला काम करेंगे, ले ले अभी जा आऊँ, तारी है अभी यहाँ से टर्न लेने की, ड्यूक तो निकल गई थोड़ा पावर लगा के, बराबर है तारी बात, बिना चप्पल के तुमको है ना पैर में लगता है, वो मेरे को थोड़ा लगा लेकिन इतना कुछ नहीं, यहाँ से तो आराम से निकल जाएगा ना। दिखा दिखा दिखा, अगर वो अंकल जाते हैं तो हम भी जाएंगे, अभी आए हैं तो कर लेते, आपको लगता होगा ना मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्यों लेके आपने क्यों कर रहा हूँ पता है, अभी ये जो आपने आगे वीडियो देखा ना कि बाइक में ऐसे कॉर्नर पे, तो वहाँ पे मैं नीचे गिरने ही वाला था, अगर थोड़ा बैलेंस नहीं बनता तो सीधा पानी में, सब कुछ लेके बाइक वाइक, और वहाँ पे कितनी गहराई थी मेरे को नहीं पता,
तो कभी भी ऐसी कुछ नई जगह पे जाते हो, मैंने गलती की है, आप मत करना, क्योंकि बीच में से जा सकते हैं। मैंने क्या सोचा कि रास्ता अच्छा है तो मैं साइड से ले लूँगा एक ही स्पीड में, लेकिन वहाँ पे थोड़ी गाड़ी हटकी तो 2 सेकंड के लिए मैं डर गया कि अभी गिरूँगा। थैंक गॉड के गिरा नहीं। तो आप भी ऐसे जाते हो तो थोड़ा संभालिए, मैंने गलती की है, आप मत करना अगर देख रहे हो तो। तो वहाँ से आगे चला गया, फिर पता चला यार अगर गिरता तो सब बह ही जाता। थैंक गॉड बच गए, बस अभी आगे की मस्ती। दो ये थोड़ा मस्ती करने के चक्कर में कभी महंगा पड़ जाएगा। चढ़ी जाए धीरे धीरे कर। देख लेंगे फिर टर्न करेंगे, आगे से नहीं है ना उतरने का कुछ। निकालो अभी तुम्हारा झोला 360 वाला, यू नेवर नो आगे क्या है। अच्छा इधर से तो जा ही नहीं सकती। चलो अभी निकालते हैं और चलते हैं। ये रहा ब्रिज और हम मस्ती कर रहे हैं इधर। चलो तो हम अभी यहाँ से निकलेंगे। इधर से जाना पड़ेगा। नहीं नहीं थोड़ा अगर तेरे पीछे हम भी आए ना तो बिल्कुल जाओ भैया, गाड़ी यहाँ जाती है तुम भी जा सकते हो। तो दिस इज हाउ वी फिनिश। हाँ जा आऊँ। चलो कोई नहीं, ये जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से मेरे को निकालना है, जब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलो थोड़ी देर अटकी लेकिन चक्का घुमा तो नहीं। फाइनली गुजरात में एंटर तो हो गया। गुजरात में जैसे ही एंटर हुआ है हम यहाँ चिकली पे रुके हैं। क्यों? क्योंकि मावड़ा खाने के लिए, और थोड़ा नाश्ता जैसा खाएँ, थोड़ा नाश्ता जैसा करेंगे और उसके बाद निकलेंगे, चल जाएगा ब्यारा, मैं जाऊंगा सूरत। तो खाते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर निकलेंगे। अभी टाइम चला है क्या? चला 6:30 बजे हैं, तो आधे एक घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। चलो तो मिलते हैं घर जाके। आप अगर मेरे को फॉलो करते हो या नहीं भी करते हो तो चिकली आप ये वीडियो देखोगे ऊपर आई बटन में आएगा। तो वहाँ पे हमने मामना खाया, इतना ज़्यादा नहीं, थोड़ा नाश्ता ही किया और वहाँ से निकल गए। तो फाइनली भी वत्सल को बाय बाय करने का टाइम आ गया, तो अभी मिलेंगे। ठीक है चलो संभाल के जाना, मलिए। हाँ फाइनली मैं घर से अभी चार पाँच किलोमीटर दूर हूँ। बस घर जाके नहाएंगे, सो जाएंगे और ये वीडियो पहले
देखा ही है ना इतना सारा। तो ये वीडियो बस यहाँ तक ही, जैसे हम लोग सब अलग हुए क्योंकि वर्किंग को जाना था ग्यारह, उनके को जाना था जो ससुराल में, तो वो सब करते करते सब अलग हो गया। वत्सल को बाय बाय बोल के मैं अभी अपने घर जा रहा हूँ। तो ये वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि मैं घर पहुँचने ही वाला हूँ और पहुँच के भी वैसे भी थके हैं तो कुछ करेंगे नहीं। तो ये वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके। कहीं पे जाते हैं तो आपको डेफिनेटली पता चलेगा। चलो तो बाय बाय, टेक केयर। Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young.